आइए हम परमेश्वर के वचन से एक आयत निकालें। वही एस्तर की किताब जो हम पिछले दिनों में सीख रहे थे, निकालिए सबने। पढ़े बेटा, इसका हमने कहां तक, आठ तक हमने सीखा था ना, कि किस तरीके से राजा अपना वैभव अलग अलग लोगों को बुलाकर, जो हाकिम थे, गवर्नर थे, उन सबको बुलाकर 6 महीने तक अपना सब कुछ वैभव लोगों को दिखाया। उसके बाद सुसनगढ़ के लोगों को खाने पर बुलाया, 7 दिन तक खाना रहा। तो जब राजा बिल्कुल नशे में है, उस समय अपनी रानी को बुलाता है, 7 खोजों को भेजता है कि जाकर पहले रानी को क्या है, सर पर राज मुकुट रखकर उसको नशे की हालत में बोलते हैं उसको बुला के लाओ। समझ में आ रहा आपको? थोड़ा सा पढ़ लें उसको जरा। पहला राजा, माफ करना, एस्तेर 1:12 से पढ़े बेटा। खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वश्ती ने आने से इनकार किया। ऊपर से पढ़े बेटा, ऊपर से पढ़े, 9 से पढ़ ले। रानी वश्ती ने भी राजा शेष के भवन में स्त्रियों को भोज दिया, क्योंकि इधर राजा ने क्या है, भोज दिया, तो रानी ने भी क्या करा, स्त्रियों को बुलाया खाने पर। आगे पढ़ेंगे। 7वें दिन जब राजा का मन दाग मधु में मग्न था, यहाँ पर ध्यान देना, 7 जो हमने पढ़ा है, 7वें दिन जब राजा का मन दाख मधु में मगन था, तब उसने महुमान, बिजता, हरबोना, बिकता, अबगता, जेतेर और करकस नामक 7 खोजों को, जो शयश राजा के सम्मुख सेवा टहल किया करते थे, आज्ञा दी कि रानी वश्ती को राज मुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। खोजों के द्वारा राजा, बस, 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 बस। इधर हमने एक घटना देखते हैं। पहले बार हमने राजा का जो वैभव के बारे में सीखा था कि वो कैसे अपने शान शौकत दिखा रहा है, तो उससे हमने ये सीखा था कि लोग, दुनिया के लोग भी आज क्या है, राजा की तरह जीते थे, अपना दिखावा जीवन जी रहे। तो हम मसीह लोगों को उस तरीक़े से जीवन नहीं जीना है, ठीक है। मगर आज जो हम सीखने जा रहे हैं कि जब 7वें दिन राजा जब नशे में था, उस समय क्या कर रहा है, अपनी रानी को, वस्ती को क्या करता है, उन 7 खोजों को, 7 दूसरा नाम जो हमने पढ़ा, उनको बोलता है कि जाकर रानी को मेरे पास लाओ, क्योंकि हम देखते हैं वो रूपवान है, बुद्धिमान है और बहुत सुंदर है। तो जब वो अपने पास राजा रानी को बुलाने के लिए भेजता है, तो वो आने से क्या कर देती है, इनकार कर देती है। क्या कर देती है, ये सही है गलत है? थोड़ा सोच के बताए। रानी ने क्या कर दिया, सही है गलत है, थोड़ा सा पढ़ के देखे। ग्यारह द्वारा से पढ़े बेटा। कि रानी वश्ती को राज मुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। देश देश के लोग, क्योंकि अलग अलग, क्योंकि हमने पिछले दिनों में पढ़ा था वो 127 प्रांतों पर राज्य करता था, तो अलग अलग जगह से सबको बुलाया था उसने, अपने भवन में जो रखी हुई चीजों को दिखा रहा था, तो सब आए हुए थे। और सब के बाद जब आ गए, तो उसमें हम पढ़ते लास्ट में, उसने 7 दिन तक सुसनगढ़ के लोगों को भी बुलाकर भोजन, वहाँ पर भोजन खाने का इंतजाम किया, और वहाँ पर क्या है, दाख मधु का भी है। मगर यहाँ पर हम पढ़ते हैं 7वें दिन जब वो टूल था नशे में, तब बोलता जाकर क्या करो,
रानी को लेकर आओ, और रानी आने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। रानी ने जो इनकार किया, सही है गलत है? बताइए आप। रानी ने आने से क्या कर दिया? आपको कहानी समझ में आ रही है? रानी ने आने से क्या कर दिया, आप बताइए, वो सही किया? उसने फैसला सही लिया है गलत लिया? वैसे तो नहीं, गलत लिया फैसला उसने। गलत। और बताओ। राजा की आज्ञा थी, उसने रानी को बुलाया, पर वो राजा की आज्ञा को उल्लंघन किया। मेरा सवाल है, उसने जो फैसला लिया सही लिया गलत लिया? बताइए, एक एक करके बताइए, अपना अपना फैसला बताओ। कोई नहीं, भले चाहे आज यहीं पे मीटिंग खत्म हो जाए। इधर मतलब, क्योंकि मैं नाम लूंगा ऐसे, अच्छा मेरी जिधर निगाह जाएगी सब बताते जाए। सही फैसला लिया गलत लिया? अगर थोड़ी देर के लिए आप रानी होती तो क्या करते? जाते? नहीं जाते। जाते? नहीं जाते। हैं? जाते नहीं जाते? यानी कि आपको राजा से प्यार नहीं है क्या? बोलिए, जाते नहीं जाते? राजा की आज्ञा थी तो उसको जाना। राजा तो बोल रहा है कि उसको बुला के लाओ। राजा ने तो 7 खोजों को भेजा कि जाके रानी को लेकर आओ, राज मुकुट पिना के लाओ। आप आते? बोलो, अभी गर्दन तो हो जा रहे, फिर मैं बजे भी पूछूंगा क्यों हाँ ना कर रहे हो। सही किया गलत किया? सिलमपुर वाली बहन बताओ, नींद तो नहीं आ रही आज? तबीयत ठीक है आपकी? चलो धन्यवाद। उसने सोचा कि नशामा तो टूले, हम लोगों को बताने के लिए बुला रहा मुझे, इसलिए रानी ने मना करा होगा, और उसको जाना जरूर था, राजा ने बुलाया। और बताओ, पीछे बताओ, जो पद देने वाला था? पद नहीं, वो रानी तो है ही। थोड़ा बताओ, बताओ पीछे से भी बताओ, बुजुर्ग लोग बताओ। राजा बुला रहे हैं, नशे में टूल होकर रानी को बुला रहे कि इधर आ जाओ, यहाँ मेरे बड़े बड़े लोग आए, तू अपनी सुंदरता इनके सामने आके दिखा। सही है गलत है? अभी पलटो मत, एक जगह पे रुको जरा। बोलो पीछे से भी आवाज, कुछ कुछ सही किया? बिल्कुल सही किया। भाई लोग बताओ कुछ, अगर आप राजा होते, नशे में बुलाते और रानी को, और नहीं आती तो क्या करते आप? गुस्सा भड़कता नहीं भड़कता? रानी ने गलत किया, रानी ने बिल्कुल सही किया। वचन कहता है कि प्रभु में अधीन रहो। आप मान लो थोड़ी देर के लिए हम चले गए कहां पर? अन्य जाति के घर चले गई। एस्तेर ने है ना, मोर देखने अच्छी तरह इसके अंदर घुसर रखी थी व्यवस्था, इसलिए रानी होने के बाद भी खड़ी रही वो। अभी हमारी बहन रीना हमारे बीच में संगति करती थी, आज वो अन्य जाति के यहाँ पर रह रही है। जहाँ तक आप बोलोगे मैं आपकी बात मानूंगी, मगर मैंने जो सीखा है ना, अपना जीवन परमेश्वर को दिया, उसके विरुद्ध बोलोगे तो मैं बिल्कुल भी, आपको रखना है रखो, नहीं तो मैं ये चली, क्योंकि पहले भी तो मैं अपना जीवन चला रही थी। अगर आज वो बोले नहीं मैं जाता हूँ, चल तू भी चल, कैसे रहेगा? बताइए, आप बताइए,
क्योंकि रानी रूपवान थी, उसको पता है कि ये नशे में टूल है। अगर तरीके से बुलाता तो मैं 10 बार जाती। नशे में है तो और जाके मैं लोगों के बीच में खड़ी हूँ, मेरा तमाशा बनवाएगा। बेशक मैं तेरी रानी हूँ, मगर इतनी गिरी हुई नहीं कि नशे में सबके सामने तू मेरे सकल सूरज सुंदरता को दिखाए। पद की उसने चिंता नहीं, रखना है तो रख, नहीं तो कोई बात नहीं। कीमत देने वाले चाहिए हमें। कैसे चाहिए? अगर आपके बस की नहीं है कीमत देना, क्योंकि परमेश्वर डरपोकों को लेके नहीं चलता। जो डरपोक है ना वो किसी काम के, वो डरपोक को स्वर्ग में लेके भी नहीं जाएगा। क्योंकि क्या है, जो रानी ने मना किया ना, क्योंकि राजा तो टूल है, और जाकर वो वहां पर किस लिए बुला रहा था कि मेरी पत्नी कितनी सुंदर है, मैं तुमको दिखाना चाहता हूं। भाई तूने जहां तक तेरे धन को दिखाया ठीक है, मगर तू अपनी पत्नी को जब पूरा टूल होकर बोल रहे कि आप बुला के लाओ उसको, ये कौन सा तरीका है? इसलिए है ना, एक वचन पढ़े बेटा, निकालेंगे हम। क्योंकि रानी का भी अपना आत्म सम्मान था, अपना मन था, उसका भी एक अंदर वो थी कि मैं ऐसे कैसे जाऊं उनके बीच में, मतलब ऐसे गंदे माहौल में मैं कैसे जाऊं, सब टूल हुए पड़े हुए हैं। तो इधर हम जब पढ़ते हैं क्योंकि ये एक ऐसी समय था, एक अपमान या लज्जा वाली बात थी, क्योंकि जो सही होगी वो ऐसे नहीं जाएगी। अगर कुछ तरीके से बुलाते, कुछ वजह से, तो एक अलग बात थी। तो इसलिए जब हम वचन, एक वचन निकाल कर पढ़ेंगे बेटा जल्दी से, क्योंकि हमें क्या चल, पत्नी को अपने पति के अधीन तो रहना चाहिए, मगर कैसे? प्रभु में अधीन। आज अगर हम मसीह में हैं, ये मोर्दे के कहने क्या है, एस्तर को अच्छी तरह सिखा रखा था, वो सीखी हुई थी इसलिए नहीं गई। अगर वो सीखी नहीं, आज हमारे बीच में हम सीख रहे हैं, और सीखने के बाद भी हम गलत फैसला लेते हैं। क्योंकि वचन पढ़े बेटा, एक कुलुसियों उसका 3:18 पढ़ेंगे हम। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। एक एक बार फिर से पढ़े बेटा। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। इधर हम जब पढ़ते हैं 3:18 में, हे पत्नियों जैसा प्रभु में उचित है, जैसे प्रभु, उचित का मतलब जैसे प्रभु में ठीक है ना, वैसे ही अपने पति के क्या करो, अधीन रहो। कहने का मतलब, मैंने जैसे इधर आपको पहले भी बताया था, जैसे प्रभु में उचित है वैसे अपने पति के अधीन रहो। बाइबल हमें अधीन रहने के बोलती है, अपने पति के साथ अधीन में रहो, मगर कैसे? जैसे प्रभु में उचित है। जैसे प्रभु में अधीन रहना, पति के क्या करना है, अधीन रहना है, मगर कैसे रहना है, जो उचित है। कल को वो बोले मैं तो दारू पी रहा हूं, ये रखा फेंक, तू भी पी। कल को रोशन, इधर संजना बहन, कल को रोशन पीता है ना, अगर आपसे भी बोलते 2 पैक बना, क्या बोलोगे? मैं बोलूंगी ये गंदी चीज को फेंक दो, ये हमें नहीं। बोलेगा मैं तेरे को छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं। बोलना बहुत आसान है, क्या बोलोगे? नहीं जाना, अपने मैंने सीखा है जो वहां पर,
उसने बोला मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके बोल सकते हो दिलेरी से है? बोलना गर्दन हलाना बहुत आसान है। जो खरे लोग हैं ना ऐसे लोगों को लेने के लिए आ रहा है वो, दो चित दो मन वाले को लेके नहीं जाएगा वो। सदरक मेसक अवेदनगो, बच सकते थे मूरत के आगे दंडवत कर देते थे। उन्होंने बोला राजा हमारा जो परमेश्वर है जिसकी हम उपासना करते हैं इस आग से बचाने की ताकत रखता है, अगर वो नहीं भी बचाएगा ना मगर मूरत के सामने दंडवत नहीं करेंगे। ऐसा फैसला होता है जो प्रभु के पीछे चलने वाले लोगों का फैसला, जान देने के लिए तैयार है मूरत के सामने दंडवत नहीं करूंगा, क्योंकि ये प्रभु में यही उचित है, यही हमने सीखा है, दूसरे के आगे सर नहीं झुकाना, ये हमने सीखा है। मैं कहता हूं कि अगर आज यहां पे कोई आ जाए पता नहीं कौन खड़ा रहेगा। मैं सही बताऊं ना, सच बताऊं, एक क्षण भर में जो शक्ति आपको 20 साल से परेशान कर रहे हैं एक क्षण में निकल जाएगी और दोबारा आएगी भी नहीं, गारंटी है ये। आपने अभी तक प्रभु के प्रति मन सही नहीं बनाया है। दो नाव पे चलते हैं आप जिंदगी भर ऐसे चलोगे ना वो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। शैतान की ताकत नहीं है कि वो हमको दोबारा आके छुए। वो क्यों आ जाता है हम उसको मौका देते हैं। अगर परमेश्वर का मर्जी होगा तो हम उपास प्रार्थना में शैतान के बारे में सीखने जा रहे हैं अभी। वो क्यों आगे कलिसिया में तो ड्रामा करता है, वो हमको क्या करता है, हमारा समय खराब करना चाहता है। ये प्रभु की दया है कि प्रभु हमारे धीरे धीरे समझ खोल रहे हैं। तो पहले हम मीटिंग में खड़ी हो जाती थी, हम मीटिंग को छोड़कर उसी में लग जाते थे। इधर मेरा कहने का मतलब, जो अधीन रहना है मगर जो प्रभु में उचित है उसी में अधीन रहेंगे। ऐसा नहीं कि भैया मैं प्रार्थना में जा रही हूँ और तू कुछ भी बोले मैं तेरे मान लूँ। अगर आपको माननी है तो फिर उधर ही मानो, इधर मत आओ, ताकि सामने वाला भी सोचे यार इसको कितना भी कहते रहे ये है ना अपने वचन में अटल रहती है वही चीज एक दिन वो खींच कर लाएगी। अगर हम इधर भी उधर भी आप भी नहीं पक्के हो पाओगे ना उसको कभी ला सकते हो। और जो भी बोलना है नम्र तरीके से, प्यार से, ऐसे नहीं मैं नहीं पीऊंगी ये, मैं नहीं जाऊंगी वहां, अकड़ में नहीं, प्यार से, देखो जी ये मेरे बस की बात नहीं है, नम्र से, प्यार से। तो इधर जब हम पढ़ते हैं, पढ़े बेटा एक बार दोबारा और से। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पत्नियों, जैसे प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। यानी कि जो उचित है वहां तक तो हम अधीन में रहेंगे, जो अगर उचित नहीं है, जैसे बहन हमारी क्षमा बहन पीछे बैठी है, वो भाई साहब भी नहीं आते प्रार्थना में, आते हैं कभी कभी, बाइबल भी पढ़ते हैं, मगर बाइबल पढ़ने से कभी कभी आने से कोई फायदा नहीं है। और ये तो प्रभु का धन्यवाद होगी, एक तो क्या है कि वो बच्चों को नहीं रोकते ना बहन को रोकते, और वो भी क्या है पूरा सपोर्ट करते हैं। कल को अगर भाई को कुछ आ जाए दिमाग में, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, अगर जो उचित है वचन में वो तो हम मानेंगे, कल को वो अगर कुछ और बोलने लग जाए तो हम क्या बोलेंगे, भाई इसमें हम समझौता नहीं कर सकते। तो हमारा इधर जो आज का जो विषय सिखाने का क्या है मेन, हम अन्य जाति है या पति है पत्नी है या कोई भी है रिश्तेदार है, एक सीमा होती है, क्या बोलते हैं, एक रकील होती है, उतने तो भैया आपकी बात मानेंगे, मगर आप वचन के खिलाफ जाओगे मैं बिल्कुल भी
नहीं मालूम। समझ में आता है? मगर आप वचन के खिलाफ बोलोगे मैं पत्नी हूं आपकी, अगर वचन के विरुद्ध बोलोगे मैं बिल्कुल हरगिज नहीं मानूंगी। वो भी सोचेगा इसने पता नहीं क्या सीख लिया है। जब हमारा अटल दृढ़ ये विश्वास रहेगा, फैसला रहेगा, कुछ ना कुछ भाई ने क्या वहां पर इनको मिला है। नहीं तो हम पत्नी को खुश करने में लगे हैं, चलो जी कहाँ जाना है, चलो जी ये करना है, चलो जी वो करना है, वो कभी भी आप उसको प्रभु में नहीं ला सकते। जब प्रभु के तो वहां पर बहने आती थी कि पाशु जी अगर हम बपतिस्मा लेंगे तो ये सब उतारना पड़ेगा, तो हमको पति को प्रभु में लाने के लिए थोड़ी अनुमति दे दो। आज तक का रिकॉर्ड है किसी बहन ने एक पति को अपने प्रभु में नहीं लाई, बल्कि वो उधर चले गई। और इसलिए समझौता करने की हमें कोई भी परमेश्वर गुंजाइश नहीं देता कि समझौता करके चलो, एक तरफ कहीं भी चलो चलना है, क्योंकि मसीह के पीछे चलना है। मसीह को अपना कहना वैसे कांटों की राहों पर चलना, मसीह को अपना कहना कांटों, क्योंकि मसीह के पीछे चलते समय आपको फूल नहीं मिलेंगे, कांटे मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अगर कांटे पे चलना है तो चलो। और मैं तो प्रभु से पूछता हूँ, प्रभु मैं इनको इतना डांटता हूँ चिल्लाता हूँ फिर भी इधर ढीठ की तरह आ जाते हैं, ये जाते क्यों नहीं है? नहीं तो कोई हो ना, हम तो अपना काम छोड़कर पैसा किराया लगा के धक्का खा के आते हैं, और यहाँ भी क्या है, ये तो भगाने में लगे हैं। ये प्रभु का प्यार है, ये वो खींच के ले आता है। मगर जब आपसे प्रभु प्यार करता है फिर आप कीमत दे के चलते क्यों नहीं? इधर एक आयत और पढ़वाना चाहता हूं मैं, पढ़े और आयत दूसरा पहला तिमोथियुस उसका 2:15 पढ़े बेटा। तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाई। पढ़े। तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वह संयम सहित विश्वास प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। इधर रुक के देखें। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग स्त्री को क्या है कुछ अलग निगाह से देखते हैं कि आप चुप रहो, आदम पहले बनाया गया था बाद में बनाई गई हो। कभी कभी क्या है स्त्री को चुप रहने के लिए भी कहा गया है। मगर यहां पर जब हम पढ़ते हैं 13 पढ़े बेटा इसका 13 से, क्योंकि आदम पहले उसके बाद हव्वा बनाई गई और आदम बहकाया ना गया पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। बहकाने में आके क्या हो गई, वो अपराधीन हो गई। अपराधीन का मतलब, क्योंकि लेडीज जो अदन की वाटिका में वो क्या सर्प आया तो उसने बहकाया, उसने बहकावे में आके फल तोड़कर खा लिया, अपने पति को भी खिलाया। तो हम लेडीज को क्या ना सोचे कि अपराधीन हो गई तो अब इसके लिए कोई स्वर्ग जाने का रास्ता ही नहीं है। है कैसे है पढ़े बेटा आगे। और तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उधार पाएगी। बच्चे जन, क्योंकि उसने गलती आ गई बहकावे में आ गई, कोई बात नहीं, वो बच्चे जनने के द्वारा उधार पाएगी। और आगे ये नहीं हमारा विषय, थोड़ा सा आगे ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं अब। हाँ पढ़े बेटा। यदि वे संयम सहित विश्वास, यदि वो संयम सहित विश्वास, कैसे संयम सहित विश्वास, इसका मतलब क्या है संयम सहित विश्वास, इसका मतलब थोड़ा सा बता दो। संयम सहित इसका मतलब बता दो, बिल्कुल सिंपल है ना, इसमें तो कोई टेढ़ी बात है ही नहीं, इसका मतलब बता दे कोई भी। इधर बहन लोग बता दे, दोबारा से एक बार और पढ़ ले जो मैं पढ़वाना चाह रहा था। यदि वह संयम सहित विश्वास प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। इधर लिखा है
जब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो हम सीखने जा रहे हैं आज, यदि वो संयम सहित विश्वास प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे तो यानी कि उसका उद्धार निश्चय है। चाहे बेशक उसने अदन की वाटिका में उससे गलती हो गई है, मगर वो क्या है, संयम सहित। संयम का मतलब बताइए, बहुत इजी शब्द है ये तो, कोई संयम सहित बताए करो ना थोड़ा, क्या क्या है बताओ, संयम सहित को क्या बोलेंगे हम? संयम सहित संयम सहित बता, बेसाली बता, संयम सहित का मतलब, संयम सहित इतना बता दो बस, सब्र के साथ विश्वास, सही है हा? कभी कभी कोई हमको बोलता है ना, हमारा संयम टूट जाता है। संयम का मतलब क्या होता है? विश्वास, विश्वास, संयम सहित। कभी कभी क्या है, हम विश्वास जो है ना हमारे अंदर, उसमें वो संयम मांगता है। क्या मांगता है? दोगे? कोई कुछ कह रहा है तो थोड़ा संयम रखो, सुन लो जरा। हम क्या है, हमारे अंदर संयम नहीं है। अगर संयम रखोगे तो आपका उद्धार हो सकता है, संयम नहीं है तो आपका उद्धार नहीं होगा। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, एक बार दोबारा से पढ़े बेटा, संयम का मतलब यही है कि हम अपने आप को कंट्रोल में करना। कोई कुछ कह रहा है तो क्या आएगा, गुस्सा भी आएगा, नफरत भी आएगी, जलन भी आएगी, तोड़ने फोड़ने का सामने वालों को मन भी करेगा, उसको क्या करना है, तोड़ फोड़ दे, कंट्रोल करना है। ये मन जो इच्छा, ये तो पता नहीं क्या क्या, मगर इसको क्या करना है, संयम, अभी उसको बिठा, चुप रहे, शांत रहे अभी, क्योंकि अगर तेरी बात में आ गया तो मेरा तो हो गया काम। तो इधर जब हम पढ़ते हैं, अपने यानी कि मन को वश में रखना, वो ये संयम, मन को बस में रखना, या क्रोध आ रहा है उसको शांत करना, यही है संयम का मतलब। तो आगे जब पढ़ते हैं, पढ़े बेटा उसको, यदि वह संयम सहित विश्वास प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे, यानी कि प्रेम में भी संयम होना चाहिए, विश्वास में भी और पवित्रता में संयम। अगर ये चीजें हैं तो क्या है, क्योंकि इधर लिखा है विश्वास सहित प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहना। तो हम अभी वापस उसको, जो हम एस्तर के बारे में पढ़ रहे हैं, उधर वापस आएंगे अभी हम। मैं इसलिए दो तीन आयत पढ़वा रहा हूँ, एक आयत और पढ़ ले बेटा, तीतुस उसका दो, उसके चार पढ़े, चार और पांच, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पति और बच्चों से प्रीति रखे और संयमी पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। ये वचन ऐसे हैं कि ज्यादा इनमें खोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं संयमी, हमने उधर देखा ना संयमी, हमें संयम होना विश्वास में भी, पवित्रता में भी, और इसमें तो लिखा है संयमी पवित्रता और घर का कारोबार करने वाली। हमने क्या करते हैं, घर उजड़ा पड़ा हो इधर आगे प्रार्थना में, और मान लो घर में सास होगी तो बोलेगी बड़ी प्रार्थना में घर तो सब, हम ऐसे में किसी को ला सकते हैं सास को? फिर लिखा है कैसे है, घर का कारोबार करने वाली,
भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, अपने पति के अधीन मगर एस्तर तो अधीन ही नहीं रही, वो बार बार एस्तर आ जाता है बस्ती। हाँ, वो क्या है अधीन नहीं, क्योंकि वो क्या था वचन के विरुद्ध था, इसलिए वो उसके आज्ञा में नहीं आई। तो यहाँ पर लिखा है घर का कारोबार करने वाली भली और अपने 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 पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। आज अगर देखें तो गांव में भी, या गांव में तो ज़्यादा होता है, यहाँ बहुत कम है। कोई माँ बाप जब पहले होते ना सही से देखते भी नहीं थे, बोलते थे जा बेटा फिर मैंने तेरे साथ इसकी बात कर दी है, चले जाती थी बेचारी, रहती थी। जब जाती थी ससुराल, चाहे भूखी हो, गरीबी हो, कैसे भी भूखमरी हो, कुछ भी हो, वो इसलिए रहती थी कि मैं यहाँ पर रहूँगी ताकि मेरे खानदान में कोई आज ना आए। सही है गलत है? मगर आज के टाइम पे तो सारी सुविधा दे दो फिर भी आ जाएगी, मुझे तो इसके साथ रहना ही नहीं, कोई कुछ भी कर लो चाहे, मगर जो होगी ना घर वाली, मतलब खानदानी, भाई मुझे अब कुछ भी हो जाए मेरे खानदान पर कोई आँच ना आया, मैं कैसे भी गया इसके साथ रह लूँगी, चाहे गरीबी में रह ले चाहे परेशानी में रह ले, कुछ भी हो, क्योंकि खानदान पर आँच ना है। वैसे ही जो परमेश्वर का भय मानने वाले कहते हैं, ताकि परमेश्वर के वचन पर निंदा ना होने पाए। क्योंकि अगर हम अपने पति के अधीन में नहीं है, घर का काम काज सही से नहीं कर रहे, पवित्रता हमारे अंदर नहीं है, संयम हमारे अंदर नहीं है, किस पर उंगली उठती है? हाँ, क्योंकि हमें सिर्फ किसी और के दबाव में डर के किसी नहीं, सिर्फ एक ही कारण है, मेरे परमेश्वर के वचन की बदनामी होगी अगर मैं ऐसा करके चलूंगी तो इसलिए वो सब कुछ क्या कर लेती है, सह लेगी। जैसे खानदानी बेटी होती है ना, कुछ भी मेरे साथ बर्ताव कर लो मैं रह लूँगी, मगर मेरे क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं लड़ूंगी चिल्लाऊंगी आसपास के लोग देखेंगे तो बोलेंगे किस खानदान की उठा के लिया है, इसलिए वो क्या करती है सारा दुख दर्द सह लेगी ताकि मेरे माँ बाप पर मेरे कुटुंब पर कोई आँच ना आए। तो उससे बढ़कर ही परमेश्वर का वचन हमें कितना संभल कर चलना चाहिए हैं। क्योंकि लिखा है अगर हमने अपराध करके घूसे खाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने गलती किया जूते तो मिलेंगे ही, मगर हम अच्छे काम करने के बाद भी कोई हमें बोलता है यही परमेश्वर को भाता कि ये मेरा बच्चा है ना, अच्छा कर रहा था, फिर भी इसको लोग उल्टा बोल रहे हैं, वो खाते में लिखेगा। क्योंकि हम कभी कभी सोचते ना मैंने इनके साथ अच्छा कर दिया है तो ये मेरी बड़ाई करेगा, मेरी तारीफ करेगा, ये पाने की भी इच्छा मत रखो। जो हमने किया भूल जाओ, हम किसके लिए कर रहे हैं? प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि इनके साथ हम भलाई करेंगे तो हमारे साथ भलाई ये भी करेंगे, ऐसे इच्छा करके नहीं करो। कभी उम्मीद भी मत रखना, तो यहां पर जब हम पढ़ते हैं, पढ़े बेटा दोबारा से एक बार, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे, पांच पढ़ेंगे हम, और स्वयं पतिव्रता घर का कारोबार करने वाली भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। हाँ, परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। इधर वस्ती के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि आप बहुत से बोल लेते हैं कि कोई बोल लेते हैं उसने अच्छा किया, गलत किया, ये किया, वो किया, तो हम थोड़ा सा जब देखेंगे, बेटा वो वापस उधर ही आ जाए, इस तरह मैं इधर मैं खत्म करने जा रहा हूँ। जहाँ हमने खत्म किया था वहां से थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे हम। खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर
रानी बस्ती ने आने से इनकार किया इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। तब राजा ने समय समय का भेद जानने वाले पंडितों से पूछा, राजा तो नीति और न्याय के सब ज्ञानियों से ऐसा ही क्या करता था। उसके पास कर्षना, सैतार, अदमाता, तर्शीस, मैरिस, मर्सना और ममुका नामक फारस और मादे के 7 प्रधान थे। ये 7 प्रधान, ये 7 खोजे थे। हाँ, आगे। जो राजा का दर्शन करते और राज्य में मुख्य मुख्य पदों पर नियुक्त किए गए थे। राजा के मुख्य मुख्य स्थानों पे, ये मुख्य स्थान पे नियुक्त किए गए थे, ये जो अपने नाम पड़े हैं जो। आगे। राजा ने पूछा, रानी बस्ती ने राजा श्रेयस की खोजों द्वारा दिलाई हुई आज्ञा का उल्लंघन किया तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाए। इधर रुक जाओ। अब राजा ने जो उसके साथ 7 जो सलाहकार थे, जो राय देने वाले थे, बताने वाले थे, कभी कभी देखना आप, जैसे हमारे इस देश के मोदी जी हैं, कोई भी फैसला एकदम से नहीं लेते, ये पहले मीटिंग बिठाते हैं कि हम ऐसा कोई फैसला लेने जा रहे हैं, ठीक है नहीं है। तो उसी तरह राजा ने देखा कि रानी ने आने से मना कर दिया, तो उसके पास जो खोजे थे सबको इकट्ठा करके बोला, उसने बोला, राजा ने पूछा, रानी वस्ती ने राजा छेड़ के खोजे के द्वारा जब लिखा कि आज्ञा का उसने उल्लंघन किया तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या करना चाहिए। अब समझ में आ रहा है इतना, समझ में आ रहा है आपको? रानी ने आने से मना कर दिया था, तो अब राजा कह रहा है कि इसके साथ अब क्या करना चाहिए। आगे पढ़ेंगे। तब ममुका ने राजा और हाकिमों की उपस्थिति में उत्तर दिया, रानी वस्ती ने जो अनुचित काम किया है वह ना केवल राजा से परंतु सब हाकिमों से और उन सब देशों के लोगों से भी जो राजा सैरियस के सब प्रांतों में रहते हैं, क्योंकि रानी के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी और जब यह कहा जाएगा राजा सैरियस ने रानी वस्ती को अपने सामने ले आने की आज्ञा दी परंतु वह ना आई, तब वह भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगेगी। आज के दिन फारसी और मादी हाकिमों की स्त्री जिन्होंने रानी की यह बात सुनी है वह भी राजा के सब हाकिमों से ऐसा ही कहने लगेंगी। इस प्रकार बहुत ही घृणा और क्रोध उत्पन्न होगा। पढ़ ले बेटा आगे। यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले और फारसियों और मादियों के कानून में लिखी भी जाए जिससे कभी बदल ना सके कि रानी वस्ती राजा शेरस के सम्मुख फिर कभी आने ना पाए और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे जो उससे अच्छी हो। अतः जब राजा की यह आज्ञा उसके सारे राज्य में सुनाई जाएगी तब सब पत्नियां अपने अपने पति का चाहे बड़ा हो या छोटा आदर मान करती रहेंगी। यह बात राजा और हाकिमों को पसंद आई और राजा ने ममुकान की सम्मति मान ली और अपने राज्य में अर्थात प्रत्येक प्रांत के अक्षरों में और प्रत्येक जाति की भाषा में चिट्ठियां भेजी कि सब पुरुष अपने अपने घर में अधिकार चलाए और अपनी जाति की भाषा बोला करें। इतना पढ़ने के बाद कुछ समझ में आया है? क्योंकि हम चाहते हैं ये इसलिए लगाए, चलो कैसे ना कैसे तो इनको समझ में आए। कुछ समझ में आया है? जितना समझ में बताओ फिर मैं अब खत्म करने जा रहा हूँ। अनिता बहन, समझ में आया कुछ? क्या आया? सही है। आप बताओ, चश्मा वाली आंटी, आप बताओ क्या समझ में आया? वो तो उधर खत्म हो गई। अभी जो हमने आगे पढ़ाया है, जब उसने आज्ञा नहीं मानी, फिर उसने अपने 7 जो खोजा थे उसके जो ऊंचे पद पे जो नियुक्त किए थे उनसे राय ली कि अब वो आए नहीं तो इसके साथ क्या करा जाए। हम्म,
मैं इधर ख़त्म करने जा रहा हूँ। इधर जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमने बहनों के बारे में तो बता दी ताकि परमेश्वर की वचन की निंदा ना हो, अभी भाई लोग भी ध्यान से सुन ले। ये क्या है, हमने उधर जब सुना था कि कैसे संयमी होनी चाहिए, विश्वास में इनमें सब में होना चाहिए, और घर का कारोबार करने वाली होनी चाहिए ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो। मगर इधर राजा ने क्या करा, जब वो रानी नहीं आई तो उसने क्या करा, जो ऊंचे ऊंचे पद पर नियुक्त किए हुए थे, मंत्री, सेनापति, जो भी थे, सलाहकार, व्यवस्था को जैसे कुछ हो जाती तो पूछता था राजा कि आप कैसे करें, ये आई नहीं, तो उन्होंने जब इकट्ठा होके बोला कि जब वो अगर आपके बुलाने से नहीं आई है तो ऐसे में तो क्या है, और जो हाकिम है जगह जगह के, सबको पता चल गया कि रानी नहीं आई है, तो क्या हो गया, ऐसे में तो वो लेडीसों को क्या होगी, वो मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी कि वो राजा की पत्नी नहीं आई, तो क्या ऐसे में और स्त्रियों को क्या मिल जाएगी, थोड़ी उनको कालर खड़ी करने का मौका मिल जाएगा। तो उन्होंने बोला ऐसा करो, वो जो सलाहकार थे उनको राजा की चिंता नहीं थी, उसको क्या चिंता थी, कहीं आसपास के माहौल में भी ऐसा सिस्टम गड़बड़ ना हो जाए कि हमारी पत्नी भी कहीं ऐसा ना हो, हमारी भी नहीं सुने, तो इसलिए इसको क्या देनी चाहिए, अब सजा तो देनी चाहिए ताकि लेडीजों में क्या आ जाए, डर आ जाए, ये हमारे अधीन में रहे, मुंह नहीं खोले, इसलिए क्या करना चाहिए, इनको सजा तो देनी चाहिए। कुछ पति लोग हैं ना ऐसे ही तानाशाह बन जाते हैं, अगर ऐसा करके चलाएंगे वो नहीं चलेगी। समझ में आ रहा है आपको? उसने राजा ने क्या करा, उसने जो भी सलाह दी अच्छी मान ली, हाँ ये सलाह अच्छी, उसको क्या करें हम उसके पद से हटा दे ताकि औरों में डर आ जाए। हम भी कभी कभी हम सोचते कि हमारी पत्नी में डर आ जाए, बाल पकड़ के इधर बैठ, धमकी चला के वश में नहीं ला सकते, प्यार से ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, वो दोबारा से 22 बहुत अच्छा पढ़े, अर्थात प्रत्येक प्रांत के अक्षरों में और प्रत्येक जाति की भाषा में चिट्ठियां भेजी कि सब पुरुष अपने अपने घर में अधिकार चलाए, सब पुरुष अपने अपने घर में अधिकार चलाए। अभी तेरे को पता नहीं मैं यहाँ का अधिकारी हूं, भाई लेडीज को तो हमने बोल दिया कि वचन के अनुसार, मगर आप भी तो क्या करो, वचन के अनुसार करो। आप तानाशाह क्यों बन रहे हैं, आप इन पर इतना जोर से अधिकार क्यों जता रहे हैं? पढ़े इफिसियो, उसका 5:21 पढ़े। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो, मसीह के भय से आगे, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, और जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। 25 बोला, 25। हे पतियो अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हाँ इधर रुक जाएं बस, इधर क्या है, जब वो हम वापस उधर जब जाएंगे, राजा ने देखा कि ये आज्ञा नहीं मानी, इसने आई नहीं है, तो क्या करा जाए, तो उन्होंने क्या आज्ञा दे दी, क्योंकि अगर आज हम इनको सजा नहीं देंगे तो ये सारी लेडी से क्या हो जाएंगी, ये भी हमारे अधीन में नहीं रहेंगे, ये हमारे हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे
जब क्योंकि 127 जगह से लोग आए हुए थे, जगह जगह से आए थे, और जब बुलाया गया तो पूरे महल में पता था कि रानी को बुलाया है और रानी नहीं आई है। और वहां पर हमने पढ़ा है कि वो बस्ती ने भी क्या करा था, रानी अपनी जो है जैसे राजा ने भोज रखा था उसने अपनी स्त्रियों काफी स्त्रियों को भी बुलाया था, तो वहां लेडीज को भी पता चल गया था कि रानी राजा के बुलाने पर नहीं आई। तो उनके अंदर सोच रहा यार ये रानी की वजह से कई और लेडीज ही आई हैं, कल को ये भी हमारी बात नहीं मानेंगे। तो वहां के सलाहकारों ने क्या बोला कि एक ही काम करो, अब इस रानी को ऐसी सजा दो ताकि सबको पता चल जाए कि राजा की आज्ञा ना मानने से क्या होगा, पद से हटा दिया जाएगा, ताकि सबके अंदर क्या आ जाए, डर आ जाए। तो राजा को ये आज्ञा क्या लगी, अच्छी लगी, ठीक है ऐसा ही होना चाहिए। तो लिखा है उसने क्या करा, थोड़ा सा और नीचे से ऊपर से पढ़े, यह बात राजा और हाकिमों को पसंद आई और राजा जब ये आज्ञा निकली तो उनको राजाओं को और जो हाकिम थे उनको सबको ये बात क्या आ गई, पसंद आ गई कि हाँ सही है, ठीक है इसको निकालना चाहिए ताकि और लोगों में क्या आ जाए, डर आ जाए। और राजा ममूकान की सम्मति मान ली और अपने उसने जो सलाह दी थी उसकी सलाह क्या कर ली, और जबकि देखे जाए तो ये सलाह सही नहीं थी। राजा को सोचना चाहते कि हाँ यार मैं तो नशे में हूं, मेरे को बुलाना नहीं चाहिए था, मगर उनकी जब सलाह मांगी मांगी तो सलाह उन्होंने क्या दे दी, ऐसे में तो क्या करना चाहिए, उसको पद से क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, एक ये वही है ना जैसे राजा ने क्या करा, अपनी चलाई, यानी उसको पता है कि अगर इसको यहाँ रखूंगा तो, क्योंकि बाकी पीछे से लोगों ने भी और हवा भर दी, क्यों कि रानी ने बात नहीं मानी कि कल को ऐसा ना, और जो लेडीज है ये भी बात ना माने तो इसको तो सजा मिलनी चाहिए। तो हमारे यहाँ भी बहुत से ऐसे हैं जो हवा भर देते हैं, हाँ इसने ऐसा किया है ना इसके साथ तो ऐसे ही करना चाहिए, मगर हमें क्या है वचन के दायरे में, मैंने बोला ना एक सीमा में, एक यानी कि एक अपना जितना जितना मतलब हमको रकील प्रभु ने जितना दिया उतने में ही हम रहें। तो यहाँ पर जब पढ़ते हैं, पढ़े बेटा, यह बात राजा और हाकिमों को पसंद आई और राजा ने ममूकान की सम्मति मान ली और अपने राज्य में अर्थात प्रत्येक प्रांत के अक्षरों में और प्रत्येक जाति की भाषा में चिट्ठियां भेजी कि सब पुरुष अपने अपने घर में अधिकार चलाएं। सब पुरुष अपने अपने घर में क्या करे, ठीक है, मगर हम जब मसीह में आ गए तो हम भी क्या करें, सब पुरुष अपने अपने घर में अधिकार तो चलाएं, अच्छी बात है, मगर कैसे चलाना चाहिए, एक वचन के अनुसार, जहाँ गलत है वहाँ डांटना भी है, मगर कैसे, जैसे मसीह कलीसिया से प्यार करता उस तरह। पढ़े बेटा, और अपनी जाति की भाषा बोला करें। इन बातों के बाद जब राजा शेरेस का गुस्सा ठंडा पड़ गया तब उसने रानी वस्ती की और जो काम उसने किया था और जो उसके विषय में आज्ञा निकली थी उसकी भी सुधि ली। तब राजा के सेवक जो उसके टहलुए थे कहने लगे, राजा के लिए सुंदर तथा युवा कुंवारियां ढूंढी जाए और राजा अपने राज्य के सब प्रांतों में लोगों को इसलिए नियुक्त करे। उधर बाद में आएंगे, उधर भी ठीक है, इधर मेरा इधर जो पढ़वाने का हमारा जो आज का जो विषय है, जैसे रानी नहीं आई तो हमें कैसे है ये बहनों के लिए, जैसे रानी नहीं आई यानी कि हमें अपने पति के अधीन रहना है, मगर कैसे अधीन रहना है, प्रभु में अधीन, कि कल को वो कुछ और भी बोले ये करो भाई ये हम नहीं कर सकते। जैसे राजा ने नशे में टूल था रानी को बुलाया, वो नहीं आई, उसको पता है कि जो खानदानी होगी वो कभी नहीं जाएगी, जो उल्टी सीधी होगी ना, चलो भाई सब नशे में है मैं भी जाके थोड़ा सा अपना खूबसूरती तो दिखा दूँ, मौका मिला दिखाने का, मगर जो खानदानी होगी वो नहीं जाएगी। उसी तरह रानी ने क्या है नहीं गई। तो हमें क्या है कुछ भी अगर करना है तो कैसे करना है, पति के अधीन में रहना है, मगर कैसे रहना है, वचन के अनुसार। उसी तरह भाइयों को भी बता कि जब वो नहीं आई तो उसको लोगों ने क्या है हवा भर दी कि इसको क्या करें हम, क्योंकि ये तो राजा की भी बेइज्जती और हम सब की भी बेइज्जती है,
कि कल को जब रानी ने आज्ञा नहीं मानी तो कल को हमारे मोहल्ले की जो बहन बेटी है, हमारी पत्नी है, ये भी क्या हो जाएगी, बात नहीं मानेंगी। तो इनके साथ क्या करना चाहिए, कठोर सलूक, घर घर में क्या करें हम, अधिकार चलाएं। तो हम घर घर में भाई अधिकार तो चलाएं, मगर कैसे चलाएं, जैसे मसीह कलीसिया के साथ वैसे हम भी क्या करें अपनी पत्नियों के साथ। वो जो लिखा ना 5:25 एक बार पढ़ के हम समाप्त करने जा रहे हैं। हे पतियो अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम कर, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया, अपने आप को उसके लिए दे दिया, अपने आप को यानी कि खुद को मसीह ने कलीसिया के लिए अपने आप को क्या करा, दे दिया। तो हमें भी जो भाई लोग हैं अपनी पत्नियों के लिए क्या करना है, दे देना। देने का मतलब उनको ताना यानी कि मतलब अधिकार जता के नहीं, उनको कमजोर समझ के नहीं, क्योंकि हम भी जब उद्धार के भागी हैं तो वो भी है, तो उनको हम कमजोर ना समझें, उनको भी क्या जैसे मसीह ने कलीसिया के लिए दे दिए हम भी दे दें। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आने वाले दिनों में तेरे वचन के रकील के अनुसार हमें चलने के लिए सहायता कर। कहीं हमारे कामों के द्वारा, हमारे बोलने के, हमारे चाल चलन के द्वारा प्रभु तेरे नाम, तेरे वचन को प्रभु कहीं निंदा ना होने पाए। हालेलुया। इसलिए हमें चलते फिरते समय, हर बात करते समय कहीं परमेश्वर के वचन का मेरे चाल चलन के द्वारा, मेरे कामों के द्वारा जगत के रचने से पहले मुझे चुना, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु। स्तुति हो परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करें परमेश्वर से। हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन में रहो, पतियों से भी बोलता है वचन, हम उस छेड़ राजा की तरह हुकुम ना चलाए, घर घर में अधिकार ना चलाए, एक निर्बल पात्र समझकर जैसे मसीह ने कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया, उसी तरह हम भी अपनी पत्नियों को उचित सम्मान, आदर, सुरक्षा और अगुवाई देते हुए प्रेम से बस में करने की कोशिश करें, अधिकार जता कर नहीं, प्रेम से अपने वश में करने की कोशिश करें, उस राजा की तरह नहीं कि जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही होगा। हालेलुया, स्तुति हो हमारे जिंदा परमेश्वर। कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे कारण परमेश्वर के वचन की कहीं निंदा तो नहीं हो रही। इसलिए जगत के रचने से पहले मुझे चुना, दुनिया में आकर जीवन मुझे दिया, दुनिया में आकर जीवन मुझे दिया, ऊंची बुलाहट से मुझे बुलाया है, ऊंची बुलाहट से मुझे बुलाया है, अथाह प्रेम से योग्य भी बनाया, अथाह प्रेम से
योग्य भी बनाया यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल उसका मधुर प्यार सोच से है अपार उसका मधुर प्यार सोच से है अपार यीशु का प्रेम देखो कितना गहरा है हालेलुया यीशु का प्यार देखो कितना कलीसिया के लिए दे दिया अपने आप को उसी को पालना जीवन सौभाग्य है उसी को पालना जीवन सौभाग्य है सियोन में मुझे भी साथ बिठाने को सियोन में मुझे भी साथ बैठाने को बन गया कोने का पर का हुआ पत्थर स्वर्ग पिता का काम पूरा करते हुए स्वर्ग पिता का काम पूरा करते हुए मुझे जो प्रेम किया अतुल प्रेम है मुझे जो प्रेम किया अतुल प्रेम है यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल उसका मधुर प्यार सोच से है अपार उसका मधुर प्यार सोच से है अपार यीशु का प्रेम देखो कितना गहरा है उसी को पालना जीवन सौभाग्य है उसी को पालना जीवन सौभाग्य है अद्भुत प्रेम के स्वर्गीय वरदान से अद्भुत प्रेम के स्वर्गीय वरदान से मुझको बनाएगा मसीह के रूप में मुझको बनाएगा मसीह के रूप में दुश्मन था मैं तेरा मित्र बना लिया दुश्मन था मैं तेरा मित्र बना लिया प्रेमी सागर प्रभु अपार है तेरा प्रेम प्रेमी सागर प्रभु अपार है तेरा प्रेम के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल उसका मधुर प्यार सोच से है अपार उसका मधुर प्यार सोच से है आमीन 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 आइए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं हम प्रार्थना करने जा रहे हैं अगर परमेश्वर ने सच में अगर हमसे बात किया है मैं नहीं जानता कि प्रभु ने किससे बात किया है अगर लगता कि हाँ प्रभु आपने मुझसे बात किया है हम ताना साहा की तरह घर में हुकूमत ना चलाए प्रेम से पवित्रता से एक अच्छा नमूना देते हुए जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए एक अच्छा नमूना दिया हमें भी एक अच्छा नमूना देकर अपनी पत्नियों को उठाते हुए साथ में लेके चलें उदाहरण के लिए जैसे सुनील भाई अभी आते हैं इधर अगर हम उस पर तानाशाही करेंगे वो क्या कभी परमेश्वर में आएगी इसलिए अगर उसको प्रभु में लाना है तो जैसे यीशु ने हमें प्यार दिखाया है हम उसको प्यार दिखा के उठा के लाए अगर उस पर हम हुकूमत चलाएंगे नहीं तो
तूने ऐसी सब्जी बनाई, ऐसी रोटी बनाई, ये करा वो करा, उसको रोज रोज टॉर्चर करेंगे। बड़ा प्रार्थना में जाता है, तू जा अपने आप। मगर उसी को हम जैसे यीशु ने कलीसिया के लिए दे दिया, हम भी प्रभु कैसा ना कैसे कर जैसे उसने लहू बहा दिया, प्रभु कैसा भी कीमत देना पड़े, प्रभु मैं अपनी पत्नी को तेरी उपस्थिति में लाना चाहता हूं। वो प्यार देखकर अपने आप खींच कर आ जाएगी। अगर हम ताना साही करके जोर जस्ती करके लाएंगे, वो एक दिन तो आ जाएगी, दूसरा दिन कोई ना कोई बहाना ले लेगी। इसलिए हम जैसे मसीह ने कलीसिया के लिए दे दिया, हम भी प्रभु कुछ भी हो जाए, मेरी पत्नी को तेरे चरणों में देखना चाहता हूं। कितना भी मुझे प्रभु, चाहे वो मेरे विरोध में चलती है, प्रभु मुझे सहने के लिए कृपा दे। मुझे कितना भी झुकना पड़े, प्रभु उस शैतान के मुंह से मुझे उसे निकालना है। उसी तरह बहने भी, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु तेरे वचनों के ऊपर मैं उंगली उठने नहीं दूंगी। हालेलुया। आई हम प्रभु से प्रार्थना करने जाए। हालेलुया। स्तुतियो स्तुति। हालेलुया। आइए हम प्रभु के चरणों में प्रार्थना करेंगे। हमारे महान सामर्थी दयालु पिता, तेरा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, एक बार और प्रभु हमारी समतल उपजाऊ भूमि में प्रभु जी आपके पवित्र वचन सामर्थी वचन प्रभु जो बोया गया प्यारे परमेश्वर, वो प्रभु जी वचन दिन प्रतिदिन प्रभु आत्मिक जीवन में प्रभु जी फलवंत होता जाए प्रभु, ना कि प्रभु हम संसार की गतिविधियों में रह करके प्रभु तेरे वचन की अवहेलना करें प्रभु, तो प्रभु वो वचन प्रभु किस तरह से प्रभु उपजाऊ बनेगा प्रभु, किस प्रकार सामर्थ्य बनेगा प्यारे प्रभु। हे मान ईश्वर, तेरा हम धन्यवाद करते प्रभु जो आज का वचन प्रभु जी जो हमें अपने दास के द्वारा प्रभु हम तक पहुँचाया प्रभु जी, छह राजा की पत्नी बसती प्रभु, हालेलुया प्रभु, छह राजा ने अपने 127 प्रांतों के लोगों को प्रभु एक जेमनार में आमंत्रित किया प्रभु, उसमें सभी लोगों को बुलाया प्रभु, साथ में प्रभु रानी को भी प्रभु जी राजमुकुट धरते हुए प्रभु उसको अपने महल में बुलाने के लिए इजाजत दी, परंतु रानी बसंती ने आने से इनकार किया प्रभु। एक तरह से प्रभु उसने ठीक ही किया, हालेलुया, ताकि प्रभु ये प्रभु आने वाली पीढ़ियों के लिए, स्त्रियों के लिए प्रभु जी, हमारी बहनों के लिए प्रभु जी ये उचित भी है। इसलिए प्यारे परमेश्वर हम वचन में ही पढ़ते हैं प्यारे परमेश्वर, हालेलुया, कि हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन में रहो, और ये प्रभु में उचित भी है। वैसे ही प्रभु जी हालेलुया पतियों के लिए भी प्रभु जी आपने बोला कि हे पतियों अपने अपने पत्नी के अधीन में रहो, वही प्रभु परमेश्वर में होकर। प्यारे प्रभु तेरा हम धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, जो प्रभु वचन हमारे हृदय में बोया गया प्यारे परमेश्वर, वो वचन प्रभु हमारे जीवन में प्रभु अत्यंत लाभदायक बनने पाए प्रभु जी, हालेलुया। इसलिए प्यारे प्रभु हम विनती करते हैं प्रभु, हालेलुया, तेरे वचन में पढ़ते प्रभु, हालेलुया हालेलुया, इसलिए उन अंग अपने शरीर के उन अंगों को मार डाल लो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा, जलन, नफरत, घृणा, ईर्ष्या, हालेलुया, इसकी जगह परमेश्वर तेरा प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये प्रभु आत्मिक जीवन में प्रभु हमारे जीवन में प्रभु फल लगने पाए प्रभु, ताकि हमारे जीवन में जो फल लगे प्रभु जी बाहर के लोग जान सके, हाँ ये वास्तव में सच्चे परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, इनका व्यवहार कैसा है, इनका चलना फिरना उठना सब प्रभु यीशु मसीह के समान है, क्योंकि प्रभु जब हम आपके समानता में आएंगे प्रभु,
आपके डिलडोल तक आएंगे प्रभु, तभी तो प्रभु तो हमको अपने साथ बादलों पर लेकर के जाएगा। अन्यथा तो प्रभु जो हमारे अंदर शरीर के अंदर जो बुराइयां भरी रहेगी प्रभु, तो तू प्रभु जब आएगा तो प्रभु हमारी तरफ देखेगा भी नहीं प्रभु, और हमें छही छोड़ के चला जाएगा। तो प्रभु जी हमारा आपके पीछे चलना प्रभु जी कितना बड़ा ठोकर का कारण साबित होगा प्रभु, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे प्रभु। इसलिए प्यारे परमेश्वर तेरे प्रेम की डोर में प्रभु एक एक विश्वासी बहन भाई को बने रहने के लिए प्रभु जी, और जड़ पकड़ते हुए प्रभु जी तेरे स्वर्ग राज की तैयारी में प्रभु जी अभी से लेकर के जुट जाए प्यारे परमेश्वर, ताकि जब तू बादलों पर आए प्रभु अपने लोगों को लेने के लिए प्रभु, तो प्रभु जी कोई भी बहन भाई प्रभु तुझसे अछूता ना रहे प्रभु, सब प्रभु तेरे संग बादल उठाए जाए प्रभु। प्यारे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु आज के सच्चे और सामर्थी वचन के लिए प्रभु जी, अपने दास को प्रभु इस्तेमाल करके प्रभु हमारे बीच में प्रभु इस्तेमाल किया प्रभु अपनी महिमा के लिए प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और भी गहरे गहरे भेद प्रभु जी अपने दास को मैं प्रकट करके प्रभु जी कलीसिया में प्रभु बताने में प्रभु जी मदद और सहायता करें प्रभु, ताकि कलीसिया दिन प्रतिदिन प्रभु आत्मिक तौर से सामर्थ्य में पा करते प्रभु बलवंत होती जाए। सुनाओ वचन प्रभु जी हम सब बहन भाइयों के लिए प्रभु आशीष का कारण बन पाए, ना कि दंड का प्रभु। प्रभु सब महिमा प्रभु जी आप ही को देते हैं विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र सामर्थी नाम से प्रार्थना को हम मांग लेते हैं। हालेलुया, धन्यवाद। अगर परमेश्वर ने हमसे बात किया है तो आज हम प्रभु की उपस्थिति में एक वायदा करके जाएं कि परमेश्वर हम हुकूमत चलाकर या किसी को डरा कर या धमका कर या जबरदस्ती प्रभु में नहीं ला सकते। हम जबरदस्ती परमेश्वर के चरणों में किसी को बिठा नहीं सकते। इसलिए माँ हो चाहे बाप हो, हम बच्चों के बीच में भी एक अच्छा नमूना दे ताकि वो भी परमेश्वर में खींचता चला आए। अगर हम घर से अकेले हैं जो प्रभु में उचित है, हम एक अच्छा नमूना देकर बस एक ही हमारे अंदर वो नशा होना चाहिए कि प्रभु मैं अपने परिवार को तेरी ज्योति में देखना चाहता हूं चलना। प्रभु ये अंधकार पे चल रहे हैं, प्रभु मेरे अंदर और दूसरी कोई इच्छा नहीं है, ये भी प्रभु ज्योति में चले। इसलिए हम प्रभु के चरणों में एक ही प्रार्थना है कि परमेश्वर जैसे बहन लोगों को बताया गया है कि तेरे वचन को प्रभु जी बदनामी ना होने देंगे हम। भाई लोग हम अपनी पत्नियों पर अधिकार या हुकूमत नहीं चलाएंगे, जैसे मसीह ने प्यार किया है ऐसे प्यार से संभालते उनकी कमियों को उठाते हुए तुझ में बलवंत करने के लिए मेरी सहायता करना। आई हम प्रार्थना। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक होती ही रहे। जल्द आने वाले यीशु मसीह की, पिता के इकलौते पुत्र की, हालेलुया।